जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही अच्छे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Honor 50 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में जानना चाहते हो तो कल ये दोस्तों लॉन्च हो गए थे, कल ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जोर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Realme Buds Q2 की तरफ से, ये 24 तारीख को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। एक हफ्ते से मैं बताते हुए आ रहा हूँ लेकिन पोस्टर्स आ गए तो दोबारा बताना मेरा फर्ज बनता है। कुछ स्पेक्स भी बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे एंड 25dB का नॉइस रिडक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा और IPX5 वाटर रिपेलेंट कोटिंग भी मिल जाएगा। बस दोस्तों यही सब स्पेक्स हैं एंड दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में करीबन 3,500 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ था, इंडिया में आपको 4,000 रुपये या फिर उसी के आसपास लॉन्च होते हुए दिखाई देगा। काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये दोस्तों लॉन्च होगा, बहुत ही अच्छे TWS है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है, अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G की तरफ से, ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। बहुत ही जल्द दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, प्रॉब्ली जुलाई के मंथ में लॉन्च हो सकता है। ये सैमसंग गैलेक्सी 822 5G का रीनेम्ड वर्जन होगा, जो सैमसंग गैलेक्सी 822 5G ग्लोबली लॉन्च हुआ था ना एक दो हफ्ते पहले, वही इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी F42 5G के नाम से लॉन्च हो जाएगा। आपको ये अपडेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A22 4G या फिर 5G के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला अपडेट आ रहा है माधव सेठ सर की तरफ से। आज आस्क माधव 27 एपिसोड था जहाँ पर माधव सेठ सर बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं रियलमी GT के रिगार्डिंग। वो कहते हैं दोस्तों रियलमी GT इंडिया में 30,000 रुपये के अंदर में लॉन्च होगा, प्रॉब्ली 29,999 रुपये यानी कि 30,000 रुपये के आसपास, उससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे, 30,000 के अंदर में तो समझ लो 30,000 रुपये के आसपास ही। और दोस्तों वो ऐसा बोलते हैं वो दिवाली के पहले रियलमी GT को लॉन्च कर देंगे इंडिया में, यानी कि सितंबर के आखिरी तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रियलमी GT इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा। तो थोड़ा सा डिले हो गया यार, आपको ये अपडेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से, तो वीवो का दोस्तों एक टैबलेट है जो दोस्तों काफी स्लिम होगा, वो TUV रियल लैंड सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। इसमें आपको 8000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और काफी स्लिम टैबलेट होगा ये। अब देखते हैं दोस्तों वीवो कैसे टैबलेट्स बनाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही शानदार है, सुनोगे तो चौंक जाओगे। Xiaomi दोस्तों आज एक नया पेटेंट किया जहां पर वो दोस्तों कहता है कि वो दोस्तों जो एनवायरनमेंट का साउंड होता है ना, जो हम लोगों के आसपास जो साउंड्स होते हैं, उसकी मदद से स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। एक दोस्तों साउंड कलेक्टिंग डिवाइस होगा, वो साउंड को कलेक्ट करेगा जितने भी आसपास हम लोगों के साउंड्स हैं, एंड दोस्तों एक एनर्जी कन्वर्सेशन डिवाइस होगा जो साउंड को दोस्तों एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जो भी एनवायरनमेंट के साउंड्स होते हैं उनको दोस्तों एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड स्मार्टफोन चार्ज होने लगेगा। अब तो दोस्तों देखो यार, ये एक पेटेंट है, रियलिटी में कब कन्वर्ट होगा पता नहीं, एंड Xiaomi का कोई भरोसा नहीं, वो दोस्तों कुछ भी कर सकता है, एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है तो साउंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये पेटेंट रियलिटी में तब्दील होगा कि नहीं होगा। वैसे काफी इंटरेस्टिंग था, सोचा कि आपको बता दूं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है पोकेमॉन की तरफ से, पोकेमॉन का एक नया गेम आ चुका है पोकेमॉन यूनाइट। ये दोस्तों सबसे पहले निंटेंडो स्विच में आएगा, उसके बाद इस साल के सितंबर तक आपको एंड्रॉइड और iOS में भी देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग गेम है, मतलब कि ये दोस्तों मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिया गेम है, मोबा गेम है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप 5-5 का टीम बनाओगे ऑनलाइन एंड सब आपस में एक प्लेग्राउंड में आपस में मतलब कि फाइट करेंगे, जो भी करेंगे, एक बैटल रॉयल टाइप का गेम है। तो आपको दोस्तों ये गेम कैसा लग रहा है जल्दी कमेंट करके बताओ, अपडेट था सोचा कि बता दूं मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme X9 सीरीज की तरफ से। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछले दो हफ्ते से बोलते हुए आ रहा हूँ कि Realme X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स जुलाई के मंथ में चाइना में डेब्यू कर जाएंगे। तो अब आर्सेनल दोस्तों जो वेबो पे बहुत बड़े टिप्स आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, वो कहते हैं कि Realme X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स जुलाई के मिड तक लॉन्च हो जाएंगे चाइना में। और अगर आप दोस्तों Realme X9 Pro के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा और मैं जो बताता हूँ ज्यादातर वो सही होता है, ठीक है। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है BGMI की तरफ से। दो अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये है, जैसा कि आपको मालूम है, कल से अर्ली एक्सेस बीटा सभी लोग टेस्टिंग करना चालू कर दिए हैं, लेकिन कल इतने लोग डाउनलोड किए जिसके कारण सर्वर्स डाउन हो गए। लेकिन आज जो दोस्तों अर्ली एक्सेस बीटा है ना, वो सबके लिए लाइव कर दिया गया है। आप जाओ डाउनलोड करो, आराम से बीटा टेस्टिंग करो। और रहा सवाल दोस्तों, आज 18 जून है तो गेम लॉन्च ही नहीं हुआ। एक्चुअली दोस्तों ना 18 जून नहीं, 18 जुलाई की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी 18 जुलाई तक बीटा टेस्टिंग चलेगा। 18 जुलाई को जाके स्टेबल वर्जन वाला BGMI लॉन्च होगा। अभी तक तो इतना इन्फॉर्मेशन मालूम चला है। तो 18 जून नहीं है, 18 जुलाई हो गया। अब एक महीना का दोस्तों और इंतजार करना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus की तरफ से। OnePlus दोस्तों एक नए स्मार्टिशियन को हायर कर चुके हैं, जिनके कारण जो अपडेट्स होंगे और भी जल्दी मिलेंगे और कम बग्स के साथ आएंगे, मतलब कि बग्स बहुत ही कम होंगे एंड बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोगों को अपडेट्स देखने को मिलेंगे OnePlus के स्मार्टफोन्स में। तो बहुत ही अच्छी बात है। OnePlus दोस्तों ओप्पो से जब से दोस्तों मर्ज हो गया है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने लग गया है। एंड आने वाले टाइम में हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि OnePlus के स्मार्टफोन्स और भी अच्छे बन के आए, और भी अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिले और दोस्तों और भी अच्छे डिजाइन देखने को मिले। बस यही कामना के साथ हम लोग OnePlus का दोस्तों और इंतजार करते हैं। और क्या, चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है Instagram की तरफ से। तो Facebook आज ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि ग्लोबली Instagram रील्स पे अब ऐड आने चालू हो जाएंगे। अब देखो यार, ये ग्लोबली है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में आपको Instagram रील्स पे एड्स अभी तो देखने को नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में तो पक्का आपको दिखाई देंगे ही देंगे। अभी ग्लोबली दोस्तों Facebook अनाउंस कर चुका है। स्टार्टिंग में Netflix, Uber ऐसे ऐसे दोस्तों एड्स आपको दिखाई देंगे। अभी तो देखते हैं इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। Facebook कहीं से भी कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा पैसे कमाने का, ठीक है। तो दोस्तों पास यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।